स्वागत है खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। पानीपत में मां ने ही की मासूम की हत्या, ब्लेड से काटी थी 15 दिन के बेटे की कलाई। बैंक का फॉर्म भरने के बहाने नकदी लेकर फरार हुए बदमाश। नाबालिग लड़की ने की बड़ी बेरहमी से ताऊ की हत्या, सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद। अब खबरें विस्तार से। पानीपत में मां ने ही की मासूम की हत्या, ब्लेड से काटी 15 दिन के बेटे की कलाई। यमाना सेक्टर 29 में फ्लोरा चौक के पास 15 दिन के नवजात की हत्या का कातिल कोई नहीं बल्कि एक मां है। पुलिस पूछताछ में 23 साल की मां पूजा ने पति से मनमुटाव के चलते बच्चे के साथ इस दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया। पंचकुला सेक्टर 19 में फॉर्म भरने के बहाने दो बदमाशों ने एक युवक से लूट की वारदात की। पीड़ित युवक बैंक में पैसे जमा करने आए थे, इस दौरान मदद करने के बहाने लुटेरों ने 15,000 की नकदी छीन कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। फतेहाबाद में बीती 5 दिसंबर को एक भतीजी ने अपने ताऊ को गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। फतेहाबाद में बीती 5 दिसंबर को एक भतीजे ने अपने ताऊ को गोली मारकर हत्या करने के मामले में एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि लड़के ने अपने ताऊ को घर के बाहर बुलाकर गोली मार दी। छोटी सी बात को लेकर हो गया था झगड़ा। इसी दौरान आरोपी भतीजा ने पिता के पास रखी पिस्तौल से हत्या कर दी। आरोपी नाबालिग जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।